हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड इंग्लिश का यहाँ पे प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन पेपर कराऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश का पिछले साल का पेपर लिया, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश में, पता है इंडियन कोस्ट गार्ड में 15 मार्क्स का पूछा था, 15 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे आए थे आपके, देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न बनते हैं आपके। चेन द नेशन नरेशन से आया था, नरेशन आपके दो होते हैं, फिर डायरेक्ट आए तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब आपका ये दिया गया डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्स स्टार्ट, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। अब बात रही यहाँ पे जब भी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्स स्टार्ट होता है तो सेड टू के स्थान पे आस्केट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो लगा है उसके स्थान पे इफ़ या वीदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वीदर का प्रयोग करते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू है तो यू की जगह ही होगा कि आई होगा, आप लोगों को थोड़ा बेसिक से आपको आना चाहिए, वैसे देख लो आपको बता दे रहे हैं। देखो एस ओ एन मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है कि फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे किसी का नाम आ जाता है, तो यू आपका जो है यहाँ पे दिया जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मी है और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही था, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी के हिसाब से आई आएगा, आई का मी होता है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आई वाज ए स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो नॉट लग गया तो बातें खत्म। अगला दिया गया चेंज द वॉइस दिया, वॉइस आपके दो होते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस होगा या फिर पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे डज ही राइट अ लेटर लिखा है, ठीक है, तो देखते हैं, अच्छी बात है। डज डू डज से जब भी स्टार्ट होता है तो उसको इज एम आर में बदलते हैं, ठीक है। इज एम आर से एक ही ऑप्शन है, तो वैसे देखा जाए तो यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये दूसरा इसलिए गलत होगा क्योंकि इज के साथ में बैंग आ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि जब इज एम आर यहाँ पे दिया जाता है तब उसका बनाते हैं इज बैंग, एम बैंग, आर बैंग बनाते हैं। सिंगुलर होगा तो इज बैंग, आई होगा तो एम बैंग, प्लूरल होगा तो आर बैंग, लेकिन यहाँ पे डू डच के स्थान पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चौथा राइट है रिमूव टू दिया गया है, रिमूव टू का केवल दो ही रूल होते हैं, ही टॉल्स टू मच। देखो पहला रूल ये होता है कि सो आता है तो उसके बाद में डैट ही कैन नॉट करके कुछ आता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो कैन नॉट आता है, ये नेगेटिव होता है यहाँ पे नॉट कहीं होता है तो कैन तक आ जाता है केवल। और दूसरा रूल ये होता है मोर आता है या फिर कंपेरेटिव डिग्री आती है उसके बाद में आ जाता है, देन इट इज़ प्रॉपर, केले की ऑप्शन पे राइट ऑप्शन ये है। अब सो डैट ही कैन वाला रोल कुछ नहीं चला, केवल यही रूल चला है कि ही टॉल्स मोर देन इट इज़ प्रॉपर, सातवें का तीसरा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया पंक्चुएशन दी गई है, तो सी डज नॉट लव मी डज सी, तो यहाँ पर डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, मतलब स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, बात खत्म, राइट ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। अगला दिया गया है स्पॉट द मिस स्पेल्ड दिया, इन चारों ऑप्शन को देखें, मिस स्पेल्ड आपको बतानी है। बोरिंग माने क्या होता है नीरस, वैसे गलती इसमें है, रिपीटेटिव की स्पेलिंग क्या होती है आर ई पी ई होती है, ठीक है। रिपीटेटिव माने होता है बार बार, और हाइपरबोलिक माने क्या होता है अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाता है। सरकम लॉक्ट्री माने आप बताइएगा, चलो अच्छा देखते हैं आप वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे ई लगेगा, ठीक है, आप लोग बताना इसका क्या होता है। चलो चार ऑप्शन को मैं बताऊंगा तो आप उनको ध्यान से समझते रहिएगा। दसवें से ग्यारहवें में दिया गया आपका साइनोनियम, बेस्ट एक्सप्रेस नियरेस्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन, ऐसे करके कुछ लिख के आएगा आपका पेपर में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है समान अर्थ आपको बताना, वही पर्यायवाची। अब दिया गया सरोगेट, तो देखते हैं क्या होगा, सरोगेट माने होता है प्रतिनिधि, ठीक है। सब्स्टिट्यूट माने भी यही होता है प्रतिनिधि। साउट माने चिल्लाना, इम्प्योर अशुद्ध, डिके माने हानि छाए कमी जो भी कह लो हानि, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, वैसे ये राइट ऑप्शन था, इन दोनों माने होता है प्रतिनिधि। जोवियल माने होता है उल्लासपूर्ण, जोवियल माने होता है उल्लासपूर्ण, ठीक है। तो ग्यारहवें का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा साइनोनिया में, तो तीसरा मेरी माने भी होता है उल्लासपूर्ण। स्टूपर जो मूर्ख होता है, फूलिश माने मूर्ख होता है, मृतफुल माने क्या होता है बताइए जरा, यहाँ पे दिया गया आपका मृतफुल एम, ये आपका पिछली बार पूछा गया तो नोएडा में, ठीक है। मृतफुल में क्या है कि आप लोगों को बता दें, एक मिनट रुकिएगा, मृतफुल में डबल एल भी लगा के दे देते हैं कभी कदा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मृतफुल माने होता आनंदित, आनंदित, ठीक है। अगला दिया गया है आपका परस्यूट का, तो एंटोनियम डिस्यूट हो जाएगा वैसे, ठीक है, सबको आता होगा, ये पूछा था काफ़ी। परस्यूट माने राजी करना, ठीक है। रिस्यूट अब आपका डिस्यूट माने होता है रोकना या मना करना, एक तरफ राजी कर एक तरफ मना कर रहे हैं। रेसिस्ट माने क्या होता है बताइए जरा, रेसिस्ट माने होता है विरोध करना, बाधा डालना, रुकावट। मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया है, मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा। चलो अगला देखते हैं, ये दिया है एसिलेट माने होता है गति बढ़ाना, मल्टीप्लाई गुणा करना, एसिलेट माने गति बढ़ाना। अगला दिया गया वैक्स, वैक्स माने क्या होता है, यहाँ पे 13 नंबर दिया है। अगला दिया है वैक्स, ठीक है, वैक्स माने होता है परेशान करना या चिढ़ाना या फिर तंग करना, तो इसका हो जाएगा डिलाइट, माने डिलाइट माने होता है प्रसन्न करना। वाइस माने होता है बुरा, ओबलाइज माने क्या होता है मजबूर करना।
एलाइट माने होता उतरना या नीचे उतरना। अगला दिया गया है टू गेट कोल्ड फीट, 14 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन दूसरा बनेगा टू बी अफ्रेड, टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है, तो इसका मतलब डरना से होता है, ठीक है, पढ़ लेना। अगला दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्लू, तो ब्लू का ब्लाउन होता है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड फॉर्म, ब्लाउन हो जाएगी। टाल्क का एडजेक्टिव पूछा, टाल के टू हो जाएगा, ठीक है, ATIVE। 17 से 20 नंबर में है, यहाँ पे कंजक्शन प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब से, ठीक है। आपका दिए पिजन्स, पिजन्स की आवाज़ बोलने की जो होती है कू होती है। अगला दिया ए डैश ऑफ हेयर इज हैंगिंग ऑन हिज फेस, तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉक, ए लॉक ऑफ, ठीक है, उसके चेहरे पर बालों का ताला कह सकते हो लटक रहा था, या बालों का जो कह सकते हो ताला लटक रहा था। चलो अगला देखते हैं, या फिर घुंघराले बाल कह सकते हो, ठीक है, उसके चेहरे पर बालों के घुंघराले बाल लटक रहे थे। अगला दिया ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज, तो ऑर्चार्ड हो जाएगा, वहाँ स्थान जहाँ पे फल फूल ये सब मतलब फल और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं बढ़ाए जाते हैं, तो ऑर्चार्ड होता है, ऑर्चार्ड माने होता है बगीचा, ठीक है। अगला देखते हैं ही इज नॉट ओनली फुलिस बट आल्सो मैड, 20 का यहाँ पे दूसरा राइट ऑप्शन है, वह मूर्ख ही नहीं पागल भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आल्सो होगा। अब दोस्तों ये कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सा एक बार लाइक कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और आप लोग जरूर शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।